पर मेरा बाप भी कोई नहीं, अज मां भी कोई नहीं, मावा बाज मुहम्मद बादशाह कौन करे रखवाली। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बेशक मगरों लज्जत देंदी बात दा नाम वाली फेर नहीं लभदी दुनिया अंदर उल्फत वाली। नौजवान बच्चे की शादी हुई तो उन्हें अर्ज की आलम मेनू पुत्र अता कर। ऐसी कमली वाले की दीवानी कि कह लगी सोने यार रब्बा पुत्र देवेगा तो उसका नाम भी मुहम्मद रखांगी ते तेरे मुहम्मद दे दीन दा आली बनावांगी। अल्लाह ने बड़ा सोहना जिहा लाल अता किया ते मां बड़े चावां नाल पई पालदी। मगर बच्चा जो टुरन फिरन दे काबिल होया ते मां ने गौर करके वेखिया कि पुत्र ठोकरां खा खा के डिग दे। मां नूं ख्याल आया ये डिगदा क्यों, गौर किया ते देखिया ते मां दा कलेजा कंब गया कि पुत्र अखां तो नबीना है, अखां च नूर ही कोई नहीं, पुत्र पैदा ही नबीना पैदा होया। नौजवानों मां ने मुसल्ला बिछा लिया, सजदे च रोण लग पई, रोके अर्द कर दी अल्लाह मैं बेदा नहीं सी मंगिया, अर्द कर दी अल्लाह मैं ते पुत्र मंगिया सी, पुत्र देवेगा नबी दे दी दयाली बनावांगी। अर्द की दी अल्लाह अखा तू नबी ना है, अर्द की दी अल्लाह दुनिया दे सहारिया दा मुताज, सजदे च रोके अर्द कर दी नीली छत वालिया तेनू तेरे मुहम्मद नूर दा वास्ता ही, मेरे मुहम्मद अखा दा नूर वापस कर दे। रोंदिया रोंदिया मां दी अख लग गई, एक सोना जिया बाबा ख्वाब दे अंदर आया, फरमाया बेटी सिर चुक लै, अल्लाह ने तेरे पुत्र दी अखा दा नूर वापस कर दिता। मां ने उठ के वेखिया पुत्र दी अखा दा नूर वापस आ गया, ये ओही पुत्र है जिन्हों नबी दी 6 लख हदीस जुबानी याद है, जिन्हों दुनिया इमाम बुखारी कहती। अज भी कोई जाके इमाम बुखारी नूं पुछे ते कबर चो आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा, हजारां महफला सजदियां ते लखां करोड़ां ते अरबां वाली जमाने च पर हर महफल च नारा लगदे अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। जा जाके पाक पतन बाबे फरीद के दरबार से पुछो बाबा इन्ने वाली ने पर नारे तेरे क्यों लगदे ने, ते आज भी कबर चो आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा। ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है, बेमुर्शदा चुप रवे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह, आवाज आवेगी भला हुए मेरी मां दा। ओ मां जिन्हें बचपन च आख्या पुत्र फरीद नमाज पढ़िया कर, अर्थ की अम्मी नमाज पढ़िए की मिलता है, मां नूं पता सी उन्हूं शक्कर पसंद है, अम्मी फरमाया बेटा फरीद नमाज पढ़िए रब शक्कर देता है। अजाम की आवाज आई ना ते आके ते अम्मी नूं कहन लगे अम्मी नमाज पढ़िए, अम्मी ने फरमाया बेटा तू वजू कर मैं मुसल्ला बिछावा, आप वजू फरमा दे ते मां ने मुसल्ले दे नीचे शक्कर की पुड़ी बना के रख दी। नमाज पढ़ी ते आखे अम्मी शक्कर ते नहीं मिली, अम्मी ने फरमाया बेटा जब नमाज पढ़िए तो शक्कर मुसल्ले दे नीचे होती है, मुसल्ला उठाया शक्कर खादी लुत्फ आया। अगली अजान की आवाज आई ते आखे अम्मी नमाज पढ़िए, माँ ने फिर फरमाया फरीद तू वजू कर मैं मुसल्ला बिछावा, अम्मी ने फिर शक्कर की पुड़ी बना के मुसल्ले दे नीचे रखी। उस माँ की अदमत सदके जावा जिन्हें शक्कर खिला खिला के फरीद नमाजी बना लिया। एक दिन बारू खेल के आए ते आके आप ही मुसल्ला बिछाया ते नमाज शुरू करन लगे, अम्मी वेख के फरमाया वे 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 फरीद पुत्र वे पुत्र वजू ते कर ले। अर्ज की थी अम्मी वजू मैं बारू करके आया, इतना कह के आपने नमाज की नीयत कर ली। नौजवान इधर फरीद ने नमाज शुरू की थी, उधर मां ने मुसल्ला बिछा लिया,
सजदे च रो के कहन लगी अल्लाह अज मां दी इज्जत रह जाए, अर्ज की अल्लाह अज मां दी लाज रह जाए, अज शक्कर दी पुड़ी ना मिली मेरे फरीद दा दिल टूट जाएगा, अर्ज की अल्लाह किधरे फरीद बे नमाजी ना हो जाए। इस दर्द नाल मां रोई, नौजवान उधर फरीद ने मुसल्ला चुकिया, देखिया मुसल्ले दे नीचे शक्कर दा दरिया पिया चल रहा है, आवाज देके कह लगी अम्मां मन ख्याल आया शक्कर नहीं मिली। मां दौड़ के आई, देखे शक्कर दा दरिया पिया चल जाए, अम्मा सीने ला के मथा चुमिया, करमा लगिया फरीदा अगे मैं रख दी रही अज ओ ना रखी मैं रख दी साज साइया आप रखी है। पता लग्या मां दी दुआ भावे फरीद होवे भावे इमाम बुखारी होवे। इजाजत देवो ते मैं एक गल होर हजरत सुल्तान बाहू दी ना सुना देवा। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे सुना देवांगे। नहीं सुभान अल्लाह बनदी नाल दे बंदे ना मशवरा कर लो, जे बनदी है ते रोंद ना मारो ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हाथ खड़े करो, मैनू पता लगे मैं जूंदे जागदे नबी पाक दे नौकरां च बैठा। इस मस्जिद की दीवारों चो सुभान अल्लाह की आवाज निकले, पूरा साल जरा नमाजी आवे उन्हें पता लगे थे नबी पाक का मिलाद होया से सुननी सुभान अल्लाह कह के गए सन। हाले मेरी तकरीर ते अज सुभान अल्लाह उन्हें कहनी है जरा घर अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलांदा है, क्योंकि अम्मी नु जी कहंदा ते रवाज ही नहीं ना रहा, अबू नु ते कोई नसीबा वाला एको ही बंदा जिन्हू तुसी जी कहंदे हो वो तो आनो पता ही है। ए जीया नु जी कहंदे ने जी, मैं ये नहीं कहंदा बाला दी मां नु जी ना कहो पर अपनी मां नु भी जी आख्या करो। ओ बोले जेड़ा अपनी अम्मी नु भी जी कह पे बोलांदा सुभान अल्लाह। होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आरफ करी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे ले बाप मरे सिर नंगा होवे पीर मरने कड़ खाली मामा बाजे मुहम्मद बख्शाओ एक कौन करे रखवाली मामा बाजे मामा बाज मुहम्मद बख्शाओ एक कौन करे रखवाली। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी दे मथे ते पत्थर मारे आओ नबी करीम दा खून निकलिया, सरकार रोंदे रोंदे काबे दे अंदर आ गए, उधर चाचा मीर हमजा शिकार करके घरे आए, नौकरानी खाना रख दी रोन लगी पई, अमीर हमजा फरमा दे रोनी क्यों है, नौकरानी दिया हवा निकल गईया, कह लगी आज काबे कुल गुजरी सा मोहम्मद कलिया बैठ के पिया रोंदा सी, चाचे ने पूछा क्यों रोंदा है, कह लगी सुने आया अबू जहल ने मारे आए, कह लगी ओदी मां चाचे का खून खुलिया जाके आए अबू जहल दे सिर च कमान मारी ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए, नबी करीम नू पड़ के सीने लाया कह लगे सुने चुप कर जाओ मैं तेरा बदला पे आया, रावी लिख दे नबी करीम ने चाचे दे पद छुड़ा दिते, फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे मेरा भी बाप जिंदा आदा, लोकी मैनू यतीम समझ के ना मार दे अज कदे मेरी भी मां जिंदा आदी, इंज नुकरां च कलियां बह के ना रोंदा पर मेरा बाप ही कोई नहीं अज मां भी कोई नहीं मावां बाज मुहम्मद बादशाह एक कौन करे रखवाली। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बेशक मगरों
लज्जत देंदी बात दनामा वाली फेर नहीं लपदी दुनिया अंदर उल्फत मामा वाली حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا تے آپ دی امی نے ایک دن بلا کے فرما پتر تو جوان ہو گیا تے ہن کسے مرشد دی تلاش کر تے جا کسے ولی دے قدمہ چ بیٹھ آپ دی ماں دا نا سی راستی آپ فرما دے سن راستی از راستی آ راستی فرما دے سن بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں منو راہ راست تے لگا دیتا ہے ماں نے فرمایا جا پتر کسے مرشد دی تلاش کر اے اس طرح ماں نے مشرق وال انگلی دا اشارہ کیتا آپ مشرق وال ٹر پہ ایسے ماں دے فرما بردار پتہ چلے آ کے رستے چ کوئی اللہ دے ولی نے حضرت سید حبیب قادری رحمت اللہ نے بڑی جلدی اللہ دا ولی بنا دین دے آپ انہوں کو تشریف لے کے گئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے کہہ لگے حضور منو بھی مرید بناؤ آپ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابل دے جیڑا نوہ مرید آن دے انہوں فرما دے نے ادھے پیچھے ہاتھ ڈبو وہ ہاتھ ڈبون دے انہوں ولی بنا دے دے حضرت سلطان باہو نے کہنے لگے پتر او دیکھ گرمے جا کے تے تم بھی ہاتھ ڈبو تے ولی بن تے آپ نے عرض کی تھی شاہ جی میرا دیگ نال کم نہیں بن دا موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے سبحان اللہ وہ جڑے موتی چگن والے ہوں تو دانے تنی چگن دے ارد کی تھی حضور ایک دیگ نال میرا کام نہیں چلنا حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرما لگے اچھا پتر پھر تو ولایت محنت کر کے لینی ہے تو جا تیری ڈیوٹی ہے کہ مسجد دی ٹینکی دا پانی بھریا کر تو لوگن وضو کرایا کر آپ دریا دے کنارے گئے تو پانی دے کر لوٹا بھر کے لیا ہے تو ایک کی لوٹا ٹینکی چو ڈھیلیا تھی کو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئی وہ جڑے پرانے مریض سن انہاں آکھیا کہ بابا جی یہ کوئی عجیب ہی نوجوان ہے انہوں ایک کوئی لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی ہے حضرت شاہ بیب رحمت اللہ علیہ نے سلطان باہو نے سامنے بٹھا گئے تھے ویکھیا تھے متھے چ نور دی لاٹ پہ چمک دی آپ نے خیال آیا ہووے نہ انہوں میں چیک نہ کرائے چیز کی ہے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے نظرہ تو اجل ہو گئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی غائب ہو کے نہ روحانی طور پہ پچھا کیتا دیکھا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے نا تے کسان بن کے تے کھیتاں چا حل پہ چلا دینے سلطان باہو بھی پچھے جا کے نا تے حل ہوتے ہاتھ را کے کہا لگے شاہ جی یہ ساڑھے ہوں دیا حل تسی تے نہ چلاو شاہ حبیب قادری بکھے انتھے بھی آگے ہاتھ پکڑ کے تے واپس آیا جے آستانے تے آکے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باہو بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھا تے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے نا تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگا دینے آپ سامنے بیٹھ کے کہہ دینے شاہ جی اتلک میں نو بھی لایا جے شاہ حبیب قادری ویکھیا ایتھے بھی آگیا پھر دامن پکڑ کے آستانے تے آئے اجے بیٹھے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے نوجوانو حضرت سلطان باہو نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد قریباً کے نکے نکے بچے نو قرآن پہ پڑھا دین سلطان باہو بھی بچہ بل کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی میں نو ہی پڑھایا دے شاہ حبیب دامن پکڑ کی آستانے تے لے آئے سامنے بٹھا کے فرمان لگے نوجوانا میری زندگی دیا راتا مسلے تے گزر گئی ہوں نہ پھرے مقام لین دس تو کی پھولے کی آیا ہے کہنے لگے شاہ جی جیڑی آمن دلا تسی پہ وقت دے ہو ایتے ماں نے دودھ پھلا دیا بھی کھائیا ایتے مردلہ ماں نے دودھ پھلا دیا بھی کھا دیتی
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇ ਵਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਲੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਉਂਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦੀ ਇਹਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ। आइए दो चार मैं तुहानू गल्लां ते रवायात बाप दे हवाले नाल भी अर्ज करा। इस साल लखां हाजी हज करके आ रहे ने, कुछ मौजूद ने। अल्लाह मेरे और तुहाडे नसीबां च करे ते बार बार करे। कुल्लूवाल वाले ए तुहाडे कोल एयरपोर्ट है, सुबह जाके एयरपोर्ट ते वक्त मिलिया ते खलो के जिहड़ी हाजियां दी फ्लाइट आवे ना, किसी हाजी साहब नूं पुछो हाजी साहब लखां रुपए लगा के गए सो उत्थे गर्मी च, इतनी शदीद गर्मी च हज करके आयो। कई हाजी गर्मी की वजह तो फौत हो गए, कोई कैंकरिया मार दिया इतना रश फौत हो जाते। इतने लखां रुपया लगा के इतनी मेहनत का हज करके आयो, तो सऊदी अरब वाले जरा सनद दी है गरंटी कार्ड दिता सर्टिफिकेट दिता कि जाओ हाजी साहब बड़ी मेहनत का हज की तक कबूल हो गया है, वह सर्टिफिकेट तो विखाओ। हाजी साहब कहेंगे कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई सनद नहीं, कोई गरंटी नहीं कि हज कबूल हो गया कि नहीं, गरंटी कोई नहीं, क्योंकि हज कबूल या नहीं रब नूं पता है। तेरे ते मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया काबे गया हज करके आवे कबूल होवे या ना होवे, पर सैयद आलम ने फरमाया जिहड़ा सुबह उठ के खुश हो के अपने बाप दा चेहरा वेखे ते चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे, अल्लाह उहदे नामा अमाल च एक कबूल हज ते दो उमरिया दा सवाब लिख दे। तुसीं सारे नहीं बोले थे सुभान अल्लाह कह नहीं सी, इतने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए काबे गया गारंटी नहीं कि हज कबूल होवे या नहीं। पर मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा सवेरे उठे ते अपने अबू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे, उस नौजवान की गल नहीं जिहड़ा सारी रात कुल्लूवाल दे चौक च खोलो के ते अपने यारां नाल हसदा खेडदा होटलिंग करदा ते टिक्के कबाब खांदा ते घर जांदा अद्धी रात वेले ते अबू पुछन कित्थों आया है, ते अबू ने जो घूरी पा के वेखे कि अबू अगला बेचारी रात अगली रात पूछे ही ना कित्थों आए, इस घर को आग लगी घर के चराग से। उस नौजवान की गल नहीं जिहड़ा अबू नूं अखियां कढ़ के वेख गए, ओदी गल है जिहड़ा उठे अबू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे, यानी अबू नूं वेख के मत्थे त्यूड़ी ना पावे वट ना पावे, अबू नूं वेख के उहदा दिल खुश हो जाए मुस्कुरा देवे। फरमाया बस इतने काम नाल अल्लाह उहदे नामे अमाल च एक कबूल हज ते दो उमरियां दा सवाब लिख देंदा है। उधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जिहड़ा रोज अबू नूं दो वारी वेखे, मेरे आका फरमाया उहनूं दो हजां दा सवाब। इधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जिहड़ा रोज अबू नूं तीन वारी वेखे, मेरे आका फरमाया तीन हजां दा सवाब। बारों आबाद हुई कमली वाले जरा रोज अबू ने चार बारी वेखे, सैयद आलम ने फरमा कि तीन ते चार की गिनती च पै गयो, फरमाया मेरे रब के घर को घाटा है। फरमाया रोज अबू ने सौ बारी वेख्या कर रब सौ हज दे सवाब अता करेगा। तेरा काबा किबला हज तेरे वेड़े दे अंदर, अबू ने जिन्नी बार वेखे ते मुस्कुरा दे में उतने हज का सवाब है। जिन्ना दे बाप जिंदा ने ना कदे गौर किया, ईद गुजरी ना, ईद वाले दिन सारा जमाना नवे कपड़े पाके खुशियां पे मनांदा सी, ते जिन्हां दे मापे टुर गए वो ईद वाले दिन कब्रस्तान जाके मां ते बाप की कब्र ते बैठ के फिर रोंदे सन, उन्होंने ईद दी खुशियां भी खुशियां नहीं लग रही, उन्होंने मापे याद आ रहे। तुसीं अपने मां ते बाप नूं सुबह उठ के वेख के ना ते मुस्कुरा दिया करो, आप भी खुश होवो ते अपनी अम्मी नूं अबू नूं खुश रखो, अल्लाह तेरे नामे अमाल च उतने कबूल हज दा सवाब लिखदा रहेगा। जे बाप दी कदर पुछनी है ते अज इस बेटे कोल पुछ जिन्हां दे सिर तों बाप दा साया टुर गया। मेरे इक यार दा अबू फौत होया ते मैं फातिहा पढ़न गया ते कहण लगे आसी साहब रब्बे काबा दी कसम इंज लगदा जिवें आसमान तो इलावा मेरे तेरे सिर ते साया ही कोई नहीं रहा,
अज मैं इंज लगता जो बेसहारा तो बेआसरा हो गया। पुछ बाप की कदर उस यतीम को लो। बच्चा बाप की उंगली फकड़ के बाजार च गुजर जाए ना अबू चल दिया इंज लगता जिम्मे सारे बाजार के खिलौने मेरे ने क्योंकि अबू ना मैं जेड़ा मंगिया मेरे अबू ने वह भी खिलौना लै देना। बाप की कदर पुछनी है उस को पुछ यार को किसी के बच्चे थप्पड़ मारे ना तो बच्चा कहता मैं अपने अबू नू दसांगा पर यतीम नू को झिड़क मार दे तो यतीम यह नहीं कह सकता मैं अपने अबू नू दसांगा क्योंकि बाप कोई नहीं। बाप की कदर किसी यतीम को पुछ यतीम ही कितना बड़ा दाग है। आर गड़ी रहमत लाले फरमा दे माँ मरे ते माँ पे मुकी दे पीर मरन बेड़ा बेला ए पाप मरे ते मुहम्मद बख्शाओ मुक जाता अज मेला ए पाप मरे ते मुहम्मद बख्शाओ मुक जाता अज मेला ए बागा दे बिच हरी अल्लाह तो फिर दा डाली डाली जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रबे ओना दा वाली ए जिन्ना बागां दे मर जान माली रबे ओना दा वाली। पढ़े लिखे नौजवान कोई नौजवान एक मिनट उठ के गारंटी देवे के आसी साहब मेरी जेब च सर्टिफिकेट है कि मेरा रब मेरे ते राजी है। कोई गारंटी नहीं साढ़े को पर मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया जे तो सवेरे उठ के वेखना होवे ना कि अज मेरा रब मेरे ते राजी है कि नाराज है। फरमाया सुबह उठ के अपने अबू का चेहरा वेख जे अबू राजी है समझ खुदा राजी है ते जे अबू नाराज है समझ तेरा खुदा नाराज है। फरमाया रिदा और रब फी रिदा अल वालिद बाप दी रजा विच खुदा दी रजा है। यार इतने तुसी नौजवान पढ़े लिखे हो कदे गौर कीता जे तुहाडी ते मेरी मां दे कदमा थले साडी जन्नत है। एयरपोर्ट दे करीब किसे नौजवान दा 10 मरले दा प्लाट निकल आवे ना किसे दा बैरिया टाउन च 10 मरले दा प्लाट निकल आवे कहंदा मैं बड़ा अमीर हो गया 10 मरले दा प्लाट मेरा निकल आया है। ओ यार जिहदे कोल 10 मरले दा प्लाट होवे ओ अमीर है जिदे कदम थले सारी जन्नत हो गए। माई कितनी अजीम है और कितनी अमीर माए हो जिदे कदम थले रब दी सारी जन्नत है। पर कदे गौर कीता जे जेड़ी माई दे कदम थले जन्नत है माई सारी जिंदगी रोटियां बाप दियां पकांदी है कपड़े अबू दे धोंदी है। साड़ी मां कदमा थले जन्नत रख के ते जुत्ती साडे अबू दी पालिश करदी है। क्यों मां अपने शौहर दा यानी साडे बाप दा कम करके अपने आप ते नाज करदी है। ते सच्ची दस्यो मैनू मेरी मिल्लत दे नौजवानों ओ जिदे कदमा थले तेरी मेरी जन्नत है जिदियां ओ नौकरियां करदी ओ बाबे दी किन्नी कुशान होवेगी। ओ बाबा कितना अजमत वाला जिदी मां भी खिदमत करे। आओ मैं तुहानू इक मिठी जी हदीस पाक दा मफहूम अर्ज करां। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम दी बारगाह च इक नौजवान आया
नौजवान कह लगे या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारी अदालत एक मुकदमा लेके आया, मेरा फैसला करो। हजूर अली सलातो सलाम ने फरमाया जी बेटा मैं अदल ते इंसाफ वाला नबी बन के आया। फरमाया जी केड़ा मुकदमा है, किदी शिकायत है? ते बच्चा करीब आके नौजवान कह लगा या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारी बारगाह अपने अबू की शिकायत लेके आया। मेरी सरकार ने उस नौजवान वाल वेख्या कि नबी कायनात की बारगाह विच बाप की शिकायत। हजूर ने फिर भी बुलाया, फरमा बेटा करीब आ, करीब आया। फरमा शिकायत की है, मुकदमा की? उन्हें अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं जवान हो गया, मेरी शादी हो गई, मैं बच्चियां वाला ते मैं जड़ी पैसे कमा के लियावा, मेरे अबू उन्हें पैसों में थोड़े पैसे रख लेंदे ने, ते मेरे अबू नु बुला के समझाओ कि मेरे को पैसे ना लिया करन, मेरे अपने बड़े खर्चे ने, ते मैं अपने अबू का वजन नहीं चुक सकता, मैं अपने अबू का भार नहीं चुक सकता, मेरे को नहीं दिते जाते बाप नु पैसे, मेरे अबू नु मना करो कि मेरे को पैसे ना मंगे करे। अज भी तुहाडे विच बड़े नौजवान ऐसे होवणगे ना जिन्हां दे ज़हन च ख्याल आउंदा होवेगा मैं ना कमा के दिता ते खबरे मेरे बाप दा की बणे। उस नौजवान ने भी अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे अबू नु बुला के समझाओ, मेरे को पैसे ना मंगे, मैं नहीं देने। हुण सैयद आलम ने इंसाफ करना सी, मेरे नबी ने फरमाया जरा कोई इस नौजवान दे अबू नु जान दे। एक साहबी उठ के गलों अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जानना इस नौजवान का गांव मदीने दे दूर है, हजूर मैं दे अबू नु जाना। हजूर ने फरमाया जाओ ते बाबे नु जाके मेरा पैगाम दियो, तेनु कमली वाले मदीने पे बुला दे। जिन्हों का हज का इस बारी दरखास्त निकली या जिदा उमरे का कदे माफल च टिकट निकल आए कदे वेख्या जे वो बंदा रोंदा है ते लोगों नु गले लगा लगा के कहंदा लोको मैनु कमली वाले बुलाया। पंद्रह सदियां बाद जिदा उमरे का टिकट निकले उन्होंने ते नबी ने बुलाया, जिदा दरवाजा खड़का के कोई आके चल तेन कमली वाले पे मोदी ने बुला दे। उस बाबे का की हाल होया होगा जिन्हों कोई आखे आ तेन हजूर पे बुला दे। उस बाबे ने जो पैगाम मिलिया ते बाबा लाठी टेक दा कमर झुक गई वड्डे ना जिहा बाबा ते ओ आके गलियां विच फिरदा ना लोकां नूं कहिंदा लोको जिन्नू खुदा अरशां ते बुला के मिलदा उस नबी ने मैनू बुलाया जे मैनू हजूर ने बुलाया। बाबा लाठी टेक दा कमर झुकी ते पसीना पिया वगे ते बाबा आ गया मदीना तैयबा। मस्जिद नबी के दरवाजे च खलो के बुलंद आवाज ना कह लगा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, कमली वाले मेरे बख्त कितने बुलंद सोने तुसा मैनू याद किया, मैं वारी ते कुर्बान होना रावा तू जिन्ना रावा तू तेरा पैगाम जावे। बाबा आके मेरे नबी के करीब बैठ गया ते अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मैनू क्यों बुलाया? नबी करीम ने उस नौजवान वाल इशारा करके फरमाया बाबा ए नौजवान ते रखी लगदे। हकीम साहब उस बाबे ने जब नौजवान वाल वेख्या मेरी मिल्लत दे नौजवान जरा तवज्जो मेरे वाल रखियो, बाबे ने इंज करके नौजवान वाल वेख्या ते जुमला पता की बोलिया, कह लगा सोनिया ए मेरी जान है, ए मेरा पुत्र मेरी जान है। मेरे नबी दी अखां चथरू आ गए ते रो के फरमाया फिर आ जड़ा तेरी जान है ना, अजे तेरी शिकायत मुहम्मद दी बारगाह च लेके आई। बाबे दी चीख निकल गई, अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मेरे पुत्र ने मेरी शिकायत की थी, मेरे आका दी बारगाह शिकायत की, यार तेरी शिकायत को तेरे अबू नु करे ते तेनु दुख लगदा, ओ फलाने ने मेरे अबू दे सामने मेरी शिकायत कर दी थी, ते जी दी शिकायत नबी दी बारगाह च हो जाए ते करन वाला भी पुत्र होवे। बाबा रोया ते मेरे नबी भी रोन लग पे। अर्ज करता या रसूल अल्लाह मेरा पुत्र मेरी की शिकायत लिखी है? अज इतनी बात हो रही थे नबी पाक दी बारगाह अचानक जिब्रील आ गए थे, अर्ज की या रसूल अल्लाह फैसला बाद च होवेगा, अल्लाह फरमा रहे जब बाबे नु तुहाडा पैगाम मिलिया ना ये बाबा मदीने वल टुरिया ते रस्ते च आउंदे नु अपने पुत्र दे गम याद आए, दुखड़े याद आए। इस बाबे ने अपने दिल विच अरबी दे शेर लिखे ने अपने पुत्र दे गम विच। इस बाबे नु कहो पहले शेर सुनाओ। सैयद आलम ने फरमाया बाबा सुनिया तो अपने पुत्र दे गम च कुछ शेर रखे ने, बाबा शेर तो सुना। बाबे दी चीख निकल गई ते रो के कह लगा सोने तू वाकई सच्चा नबी है। फरमा क्यों? कह लगा सोने ओ शेर ते मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, दुखड़े ते मेरे दिल में ही नहीं अजे सुनिया, मैं ते कदे किसे नु सुनाया ही नहीं, सुनिया ते उन्हां दी भी खबर हो गई।
मेरे आका ने फरमाया मैं नबी हाँ, नबी होंदा ही होवे जिहड़ा बैठा फरिश्ते होवे ते गल अर्श तो पार दी सुना देवे। फरमाया बाबा अरबी दे शेर सुना वाल दे लाले वाली वाले उस बाबे ने फिर मेरे नबी दे सामने खलो के ना पुत्र दा टुकड़ा सुनाया अरबी दे शेरा विच। इजाजत होवे ते मैं सुनावा पंजाबी च। नौजवान बाबा कहन लगा कमली वाले जदों मैं जवान होया मेरी शादी हो गई मैं अल्लाह दी बार के दर्द कीती अल्लाह मैनु इक पुत्र दे दे अर्द की अल्लाह मैनू बड़े पैदा सहारा अदा कर दे अर्दा करता रहा या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे। मियां जा फरमा देने सिख पुत्रां दी डाडी होंदी आखन लोग सियाने नबिया भी मंगे कर कर उजर बहाने बाबा रो के कह लगा कमली वाले अल्लाह ने मेनू पुत्र अदा किया ये दुनिया ते आया मैं पहली बार वेख्या सुनिया मैनू इंज लगिया किवें दुनिया ते मैं दोबारा आ गया अर्द की सोनिया मेरी जान बन गया कमली वाले आ सारी सारी रात दे सरा ने बह के गुजारदा रहा अर्द की सोनिया मेरी इंज की जान बन गया ये रोंदा सी मैं रोंदा सा हसदा सी मैं हसदा सा अर्ज की कमली वाले अपने लबां च लुकमे निकाल के मैं ते मुंह च डालदा रहा अर्ज की सोने मक्के ते मदीने दे पहाड़ गवाने सारा सारा दिन उन्हों कदिया ते चुक गए इन्हां पहाड़ा दिया सैरां करांदा रहा अर्ज की कमली वाले कदे बचपन च बीमार हो जांदा सी इहदे मरण दे खौफ नाल मैं जूंदा ही मर जाता रहा अर्द की सुने ये जवान होना शुरू हो गया इनू वे के मैनु इंज लगिया मेरिया सदर जवान हो रही अर्द की सोने वेला भी आ गया एदी कमर सिद्धी हो गई मेरी कमर झुक गई एदे वाल काले हो गए मेरे सफेद हो गए एदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खिजा आ गई अज मेरा पुत्र इन जो गायो गया नबी दी बार गजिया के मेरिया शिकायतां करदा है अर्द की सोने मेरे पुत्र ने मेरिया की शिकायतां कीतिया फरमाया पुत्र कहता है भाजी मेरे पैसे रख लें देने फरमाया पुत्र कहता मेरे अपू नू समझाओ पैसे ना आवेंगे बाबा जी खां मार के रोने लग पे आओ अर्द करदे सुने मेरिया कमाइया खा के पलन वाला अज एदिया कमाइया जो मेरे हिस्से मुक गए अर्द की सोने मेरा पुत्र मेरी शिकायत कर दाए पर सुने मैं दे पैसे की करने ने कमली वाले वडेरा हो गया कमान जोगा नहीं रहा मैं सुनिया मदीने वाला नबी कहता है जदू बेटियां ते बहना बूवे च आ जाने उन्होंने खाली ना भेजे आज अर्द की सोने मेरिया बेटिया आदिया ने एदिया बहन आदिया ने एदिया फुफिया मेरिया बहन आदिया ने ते बेटिया नू दरवाजे च आ जान खाली नहीं भेजी दुने ये को पैसे लैके एदिया ते अपनिया बहन नू दे देना सोने मैं बूए दूधिया नू खाली नहीं भेजदा जे कमान जोगा होता ये को लैके कदे ना देना सोने वडेरा हो गया कमान जोगा नहीं रहा इस बात दे कोल पैसे मांगना धीआं नूं देने ओ देने बाबा रोई जा रिहा सहाबा दुखड़ा सुन के सहाबा दियां चीखां निकल गईआं मेरे नबी दियां कज वी अथरू आ गए सरकार अपनी जगह तों उठ के खड़े हो गए उस नौजवान दे करीब गए ओदे सीने ते मेरे नबी ने मुक्का मारिया ओ नबी जिहड़ा पत्थर मारन वाले नूं भी दुआवां देंदा है उस रहमत आलम ने नौजवान दे सीने मुक्का मारे आओ फरमाया बाप दियां शिकायतां करने वाले आ सुन मुहम्मद दी अदालत दा फैसला फरमाया अल्तवा मालुक अली अभी का फरमाया याद रखी जिवें तू अपने बाप दे तेरा माल भी तेरे बाप दा
फिर मिल्लत है नौजवान। मेरे आका ने फरमाया अंता व मालुक ली अबीका, फरमा जी मैं तू अपने बाप दे, तेरा माल ते तेरी तनख्वाह भी तेरे बाप दी है। अपनी तनख्वाह विच अबू ने 2000 ते 4000 दे के इना आख्या करो अबू जी तुहाडा हिस्सा है, तुसी रख लो खर्चा मर्चा। नहीं नहीं तू आप अपने बाप दा हिस्सा है। अबू दी तली ते पैसे रख, उन्हां नूं तेरे पैसे दी उंज लोड़ कोई नहीं। दिल वड्डा हो जांदा बाप दा, अर्ज करया करो अबू जी मैं भी तुहाडा हिस्सा वां, जो मेरा हिस्सा बणदा मैनूं दे दिओ। ते बाप एडे सख्त दिल ते तंग दिल नहीं होंदे कि तेरी तनख्वाह रख लैन। बाप वेखे तेरी तेरी सारी तनख्वाह वापस करेगा ते नाल दुआवां भी देवेगा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मां ते बाप दी कदर करो। सुबह उठ के अम्मी दे कदम ते अबू दे हाथ चूम जा, उस दिन कायनात च तेरी कंड कोई ना लगा सकेगा। सुबह उठ के इन्हां दी दुआ लेके निकलिया कर, ते जिन्हां दे टुर गए उन्हां वास्ते मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा जुमे दिन वाले दिन मां या बाप या दोनों की कबर ते जाके उन्हां दी बख्शे दी दुआ करे। मेरे नबी ने फरमाया रब ताला दी सारे हफ्ते दे सगीरा गुनाह माफ फरमा देंदे। मापे दुनिया ते रहन फिर भी औलाद वास्ते रहमत ने, कबर च टुर जान फिर भी औलाद वास्ते रहमत ने। तो अपनी मां दी बाप दी कदर भी करो, ते जिन्हां दे टुर गए उन्हां दी कबरां ते हाजरी जुमे वाले दिन ते जरूर जाया करो। अब्दुल वहाब कह रहे हैं कि मैनूं हजरत इमाम हुसैन दा भी इक दो वाकया सुना दिओ। थैंक यू बेटे, मेरी गाड़ी दा टाइम पीछे हो गया भाई, सवा तीन हो गए बस भाई, फजर दा टाइम हो गया। फिर कदे आए तो इंशाल्लाह बाकी मामलात करांगे। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए।